आवर चैनल द CMA अकेडमी, और आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। और ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसी से हम आज शुरुआत करते हैं। तो मिनिमम वेजेस एक्ट का एक थोड़ा सा आपको फिलोसफी दे दूँ कि ये एक्ट क्यों बना है, इस एक्ट के पीछे क्या राज है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये एक्ट क्यों है। कि ये बोलता है वर्कर हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉयटेड। पहला पॉइंट ये रहता है कि जो वर्कर हैं हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, दूसरा कि दे हैव ऑलवेज बीन डिप्रीव्ड ऑफ सुटेबल कंडीशन ऑफ वर्क एंड इवन द मिनिमम वेजेस टू विच दे आर एंटाइटल्ड। ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि थस इट वॉज इन इंटरेस्ट ऑफ वर्क टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। इसमें क्या बोलता है कि एक मिनिमम वेजेस रेट प्रिस्क्राइब होता है इस एक्ट में। क्या होता है, एक मिनिमम वेजेस रेट एक प्रिस्क्राइब होता है। ठीक है, अब चलते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट। एक मिनिमम रेट फिक्स कर देंगे एक एम्प्लॉय का, ताकि अगर उसे कम वेजेस ना मिले, एम्प्लॉयर से कम वेजेस ना दे। ठीक है, इसलिए हम एक फिक्स अमाउंट कर देंगे कि उतना वेजेस को मिलना चाहिए। ठीक है, द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में लगता है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं हो रही, पूरे इंडिया की बात हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एडोलसेंट क्या होता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, एडोलसेंट कौन होता है। तो एडोलसेंट कौन होता है ये जान लेते हैं। एडोलसेंट जो सेक्शन 2 क्लॉज ए में लिखा है कि अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज बट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 18th ईयर। एडोलसेंट वो होता है व्यक्ति है जो कि 14 साल की उम्र अपनी पूरी कर लिया है, लेकिन अभी 18 साल की उम्र उसने भी कम्प्लीट नहीं किया है, वो एडोलसेंट कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अडल्ट कौन होता है, अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। अडल्ट वो व्यक्ति है जिसने अपना 18 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, वो अडल्ट कहलाता है। सेक्शन 2 क्लॉज डबल ए में ये लिखा गया है। अब आते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये हमने पीछे जो इंडस्ट्रियल 2 एक्ट पढ़े थे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, ये वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का स्टेक होता है। ठीक है, जो सेक्शन 2 क्लॉज बी बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन सी फैक्ट्रीज और इंटरवेशमेंट आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी आती हैं। जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट, ये सब आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन सी आती हैं, इन रिलेशन टू एनी अदर इंस्टाब्लिशमेंट। इन जो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है कि ये सब आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाकी जो बच गए इनके अलावा वो आएंगी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टाब्लिशमेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर सेक्शन 2 क्लॉज ई बताता है एम्प्लॉयर का डेफिनेशन। ऑनर एम्प्लॉयर होता है और एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ऑनर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज और फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस देम इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है कि एक ऑनर भी होता है और जो सुपरविजन एंड कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को और जो पेमेंट करता है वेजेस किसको, एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब आता है एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय का बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि एन पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर किस में हायर और रिवार्ड टू डू एनी वर्क, चाहे वो उसे लिया गया हायर पे या रिवार्ड पे किसी भी काम के लिए, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो या क्लरिकल हो, आउट वर्कर टू होम एनी आर्टिकल्स आर गिवन आउट ऑफ अनदर पर्सन टू मेक इट इट क्लीन वॉश अल्टर ऑर्नामेंट रिपेयर एंड एट्सेट्रा। ये कोई भी जो इस तरह का कोई वर्कर काम कर रहा होगा वो भी काउंट किया जाएगा एम्प्लॉय में। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर्पज से जो एम्प्लॉय आते हैं वो भी यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। डिक्लेयर्ड एज अ एम्प्लॉय बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉय डिक्लेयर की जाएंगे वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज कवर्ड हो जाएंगे।
ठीक है, फिर आता है कि कौन से एम्प्लॉय इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं है जो आर्म्ड फोर्स में है, जो डू नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। जो मेंबर आर्म्ड फोर्स में है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है वेजेस। वेजेस की मीनिंग समझते हैं, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। वेजेस में इंक्लूड है ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन आइटम ऑफ मनी। जो ऐसा सभी रेम्यूनरेशन जो कैपेबल है और एक्सप्रेस कर सकता है कि वो मनी में है, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। हाउस रेंट अलावेंस है, जिसे हम HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलावेंसेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आता है क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड। क्या है? द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर एंड मेडिकल अटेंडेंस। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है? अगर कोई हाउस अकोमोडेशन है वो अलाउड नहीं है, मतलब इंक्लूड नहीं है। कोई सप्लाई ऑफ लाइट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वाटर या मेडिकल अटेंडेंस है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाई एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अंडर एनी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं माना जाएगा इस वेजेस में। अगर किसी एम्प्लॉयर ने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय के एज ए एम्प्लॉयर, PF में अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया और किसी और दूसरे स्कीम में उसने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम में उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेजेस कैलकुलेट करने के अंदर में। ठीक है, वेजेस का स्ट्रक्चर मैं दे दूँगा आपको, इसकी फ़ोटो जो बनाई हुई है बुक में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इसके PDF का, शॉर्ट नोट्स आप वहाँ से लिख पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेजेस के बारे में आगे क्या बोलता है, वेजेस जो सेक्शन 2 क्लॉज H में लिखा है क्या बोलता है। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। डज नॉट इंक्लूड वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो या कोई कंसेशन हो ट्रैवलिंग का, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। दूसरा, मतलब तीसरा तो हो गया, चौथा पढ़ रहा हूँ मैं अब, कि एनी सम पे टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डेफरेस स्पेशल एक्सपेंसेस इंटाइटल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। फिर बोलते हैं एनी ग्रेजुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम पर उसे कोई ग्रेजुटी मिली है तो भी उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कि एक फिक्सिंग अमाउंट क्या होगा मिनिमम वेजेस का, फिक्सिंग अमाउंट क्या होगा मिनिमम वेजेस रेट का, वो हम बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है कि मिनिमम वेजेस रेट आर फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस रेट कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये फिक्स करती है। ठीक है, दूसरा, द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस रेट ओनली इफ देयर आर मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय 1,000 इन द स्टेट इन दैट शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। अगर किसी शेड्यूल्ड इंडस्ट्री में 1,000 से कम मिनिमम ऑफ 1,000 एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस रेट लगेगा जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस रेट, गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस रेट। ठीक है, गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस रेट। ओके, अब आते हैं कि नेक्स्ट वाले स्लाइड में वो क्या बोलता है, कि नेक्स्ट में क्या है कि मिनिमम वेजेस में भी फिक्स्ड कहाँ 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 मिनिमम वेजेस फिक्स हो सकता है। मिनिमम वेजेस रेट यहाँ यहाँ पे फिक्स हो सकता है। कहाँ पे? टाइम वर्कर पे, पीस वर्कर पे, गारंटी टाइम रेट पे, ओवर टाइम रेट पे, डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर पे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट एंड अडोलसेंट एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे ये मिनिमम वेजेस रेट वेजेस जो है वो फिक्स हो सकती है। ठीक है, आप रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस क्या है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या बोलता है। रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस रेट क्या बोलता है कि ये ऑन्स इन एवरी 5 ईयर, ऑन्स इन एवरी 5 ईयर इफ देर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द मिनिमम वेजेस रेट एंड द मैटर इज सब जूडिस, देन मिनिमम वेजेस रेट शुड नॉट बी रिवाइज एंड फिक्स्ड अंटिल द मैटर ऑफ
मैटर इज सेटल्ड। ओके नेक्स्ट आते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या है, तो पर्पस एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो बोर्ड्स होती हैं, एक सेंट्रल होती है एक स्टेट होती है। सेंट्रल के लिए सेक्शन 8 लगता है और स्टेट के लिए सेक्शन 7 लगता है। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, सेक्शन 7, और जो सेंट्रल है उसके लिए सेक्शन 8 लगता है। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हु शैल इक्वल इन अ नंबर, ठीक है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इस टोटल नंबर ऑफ मेंबर। इंडिपेंडेंट जो पर्सन होते हैं उनका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर का, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर का, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। फिर बोलते हैं चेयरमैन शुड बी इंडिपेंडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है इस एडवाइजरी बोर्ड का, वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर होता है फोर्स्ड लेबर कौन होते हैं, फोर्स्ड लेबर ये भी जान लेते हैं। ये बोलता है वेयर अ पर्सन प्रोवाइड्स लेबर और सर्विस टू अनदर फॉर रेमुनरेशन विच इज़ अ लेस देन द मिनिमम वेजेस, सच लेबर इज अ फोर्स्ड लेबर विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है। आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, अब क्या होता है नॉर्मल वर्किंग डे, कितना घंटे कौन से एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि अडल्ट के लिए जो है वो 9 घंटे काम करते थे, 9 आवर्स। द वर्किंग डे ऑफ एन अडल्ट वर्कर शैल बी सो अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ द इंटरवल्स ऑफ रेस्ट इफ एनी शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 12 आवर्स ऑन एनी डे। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अडल्ट हो, अगर वो 12 घंटे ज़्यादा काम करता है तो उसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाइल्ड के लिए 4.5 घंटे 4.5 आवर्स ऑन वन डे और 1 डे रेस्ट इन अ वीक इफ़ द एम्प्लॉय वर्क था इफ द एम्प्लॉय वर्क ऑन दैट डे ओवर टाइम शुड बी पेड। अगर कोई एम्प्लॉय 4.5 घंटे काम करता है और उसे एक दिन में एक दिन की छुट्टी, मतलब एक वीक में एक दिन की उसे छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको वो ओवर टाइम के पैसे पे करने पड़ेंगे। अब आता है कि ओवर टाइम क्या होता है, जो सेक्शन 14 में लिखा गया है। ओवर टाइम की पेमेंट बता दी मैंने आपको, अब आता है कि ओवर टाइम क्या होता है। ओवर टाइम रूल 25 प्रोवाइड दैट व्हेन वर्कर मोर देन 9 आवर्स वन एनी डे, अगर कोई वर्कर 9 घंटे ज़्यादा काम करता है और मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक और 48 घंटे ज़्यादा एक वीक में काम करता है, तो ही शेल बी इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेजेस, और वो उसके लिए लाभदायक है कि वो देने के लिए ओवर टाइम वेजेस को कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर 1.5 टाइम द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। सेकेंड, इन केस ऑफ एनी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर है एम्प्लॉयमेंट में तो उसे 1.5 टाइम मतलब वन एंड हाफ टाइम इन ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिलेगा, अगर कोई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है तो डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिलेगा उसे, डबल मिलेगा उसे, ठीक है। वेजेस फॉर 2 or more क्लास ऑफ वर्क, वेजेस जो होते हैं वो 2 or 2 से ज़्यादा क्लास ऑफ वर्क के होते हैं, कौन कौन से, वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 or more क्लासेस ऑफ वर्क द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच सच क्लासेस ऑफ वर्क, पेइंग एवरेज रेट इज नॉट अ परमिटेड इन द सच केसेस। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फटाफट। फिर आता है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, किस टाइम पे वेजेस को हमें पे कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसमें, इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर विच लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, ऐसे कोई एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे 1000 से कम एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे महीने के 7th तारीख के ख़त्म होने से पहले हमें यहाँ पे पेमेंट कर देनी है, जहाँ पे 1000 से कम एम्प्लॉय हैं, ठीक है।
इन अदर एस्टेब्लिशमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे, और जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पे हमें 10 तारीख से पहले हमें देनी है एक्सपायरी ऑफ 10th डे, ठीक है। वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड द वेजेस अर्न बाय हिम शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे आफ्टर द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। ओके, अब आता है कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट के बारे में क्या क्या है कि इफ़ अ मिनिमम वेजेस आर नॉट पेड द क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी बाय द एम्प्लॉय विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफ द मिनिमम वेजेस और अदर अमाउंट बिकम पेबल। अगर किसी एम्प्लॉय को वेजेस नहीं मिली है, एम्प्लॉयर नहीं दिया है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसे क्लेम करेगा, अथॉरिटी पे एप्लीकेशन लिखेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट विच मिनिमम वेजेस और द अमाउंट बिकम पेबल। मिनिमम वेजेस भी पे करेगा एम्प्लॉयर, साथ ही साथ उसे जो उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो भी उसे पे करेगा, अदर अमाउंट बिकम पेबल हो जाएगा ना, ये मतलब उसका है। द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन डुप्लीकेट इन फॉर्म 6, 6A और 7। एप्लीकेशन के जो डुप्लीकेट फॉर्म होगा, जो चीज़ें हम बोलते हैं 6, 6A और 7 जो फॉर्म है वो होते हैं। द अथॉरिटी शैल सर्व द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और नोटिस इन फॉर्म 9 टू अपीयर बिफोर हिम ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। अथॉरिटी क्या करेगी, वो एम्प्लॉयर को जिस पोस्ट से रजिस्टर्ड है उसे वो भेजेगी, फॉर्म नंबर 9 भेज देगी, अथॉरिटी भेजेगी, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, ये व्यक्ति अभी इस व्यक्ति के अभी तक सैलरी नहीं मिली है, सॉरी वेजेस नहीं मिला है, तो इसके लिए तुम्हें वेजेस पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जितने दिन का तुमने इसे वेजेस नहीं दिया है, ठीक है। अब आगे कंप्लेंट के बारे में क्या है, इफ़ द एम्प्लॉयर फेल टू अपियर ऑन द स्पेसिफाइड डेट ऑफ द अथॉरिटी मे हियर एंड डिटरमाइन द एप्लीकेशन एक्स पार्टे। इफ़ द एप्लीकेंट फेल टू अपियर ऑन द स्पेसिफाइड डेट द एप्लीकेशन विल बी डिसमिस्ड। अब क्या होता है कि एम्प्लॉयर अथॉरिटी के पास नहीं जाता या किसी रीज़न से नहीं जाता, तो अथॉरिटी क्या करेगा, अथॉरिटी करेगा कि वो एक्स पार्टे के पास में ऑर्डर पास कर देगा, एक्स पार्टे के जो ऑर्डर है वो पास कर देगा एक्स पार्टे में, ठीक है, जो एम्प्लॉय का क्लेम किया हुआ एप्लीकेशन है ये उसके हित में पास कर देगा, उसके हित में ये पास कर देगा ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर आया ही नहीं स्पेसिफाइड डेट पे, एम्प्लॉयर को बुलाया गया लेकिन वो स्पेसिफाइड डेट पे नहीं आया, तो जो उसका एप्लीकेशन है वो डिसमिस्ड हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म है, लेकिन फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि फॉर्म पूछता नहीं है, बट ये मैं पढ़ा लेता हूँ, शायद MCQ में आ जाए। तो फॉर्म नंबर 1 रजिस्टर ऑफ फाइन, फॉर्म नंबर 2 रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस कॉज टू द एम्प्लॉयर बाय द नेगलेक्ट और डिफॉल्ट, ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। यूनिफाइड एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 3, ओवर टाइम रजिस्टर फॉर वर्कर फॉर्म नंबर 4, मस्टर रोल फॉर्म नंबर 5, नोटिस देना हो और किसी को तो फॉर्म नंबर 9, जैसे कि अभी अथॉरिटी ने एम्प्लॉयर को नोटिस दिया था फॉर्म नंबर 9 में दिया था, रजिस्टर ऑफ वेजेस फॉर्म नंबर 10, वेजेस स्लिप फॉर्म नंबर 11 में मिलता है। फिर फॉर्म के आगे कंडीशंस क्या क्या हैं, द फॉर्म डॉक्यूमेंट शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयर इन। सेकेंड, द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर 1st February इन ईच ईयर बाय अपलोडिंग द सेम फॉर्म इन फॉर्म नंबर 3 ऑन द वेब पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो फाइल विथ द इंस्पेक्टर, ठीक है। पेनल्टी क्या है, इफ़ एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज लाइबल टू फाइन 500 रुपीज़। फॉर्म नंबर 3 क्या था, फॉर्म नंबर 3 है कि यूनिफाइड एनुअल रिटर्न, ये इसको मतलब एम्प्लॉयर को 1 फरवरी को हमेशा ये करना पड़ता है, ठीक है, 1 फरवरी को एम्प्लॉयर को ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताना है कि राइट्स ऑफ वर्कर क्या है, राइट्स ऑफ वर्कर क्या है, तो राइट्स ऑफ वर्कर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, फटाफट आप लिख लो कि इसका क्या है, कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, वो लिखो आप, कि टू रिसीव मिनिमम वेजेस एज ए प्रिस्क्राइब्ड, राइट्स ऑफ वर्कर हैं कि टू
रिसीव मिनिमम वेजेस एज अ प्रिस्क्राइब, सेकेंड टू रिसीव द ओवर टाइम वेजेस फॉर ओवर टाइम डन, थर्ड द रेज सॉरी टू रेज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एज द रेट ऑफ वेजेस, फोर्थ टू फाइल द क्लेम फॉर शॉर्ट पेमेंट विद इन 6 months ऑफ वेजेस बिकम पेबल, दिस पीरियड इज एक्सटेंडेबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सफिशियंट कॉजेज। ये मैंने जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि ये जो वाला पॉइंट था, ये कंप्लेंट वाला पॉइंट है, इसके राइट्स भी में ये आते हैं, इसके ये विजेस के राइट में भी आते हैं, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, जो अंडर सेशन 5 बताता है, अंडर सेशन 5 है कि इसमें कमिटी मेथड होता है और एक नोटिफिकेशन मेथड होता है। कमिटी मेथड क्या कहता है, कमिटी मेथड कहता है कि टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटी एंड सब कमिटी। अब इसमें जो क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है कि एक रिक्वायर्ड करती है नंबर ऑफ कमेटी, अपॉइंट करती है नंबर ऑफ कमेटी एंड सब कमेटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दी शेल होल्ड द इंक्वायरीज एंड एडवाइज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन फिक्सेशन और रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस। इसमें क्या है कि जो कमेटी मेथड में पहला बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है कमेटी और सब कमेटी, और सब कमेटी क्या करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उनको एडवाइस करती है और रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस के बारे में बताती है कि हमें क्यों रिविजन कराना चाहिए और क्यों हमें इसे फिक्सेशन कराना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है द कमेटी एंड सब कमेटी में कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्रीज, कौन कौन सी फॉलोइंग फैक्ट्रीज में वो कमेटी कंसिडर करती है। पहला कि प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, कंडीशन अंडर विच द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स। ये सब सब कमेटी और कमेटीज इन सब फैक्ट्रीज में ये कंसिडर करती हैं, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो आप इसके नोट्स लेके तभी पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल पब्लिश एंड प्रपोजल रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस बाय नोटिफिकेशन ऑफ इन द ऑफिशियल गैजेट। इसमें क्या करती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन मेथड से अपने ऑफिशियल गैजेट पे ये प्रिस्क्राइब्ड या प्रपोजल देते हैं कि मिनिमम वेजेस पे हम कुछ प्रपोजल रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ अ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन टू बी अफेक्टेड फ्रॉम द फिक्सेशन और रिविजन ऑफ वेजेस रेट, फिक्सेशन और रिविजन ऑफ वेजेस रेट कुछ इंफॉर्मेशन बताती है। तीसरा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो नोटिफिकेशन मैसेज मैंने आपको दो बता दिया। तीसरा है कि appropriate government shall give at least 2 month time for the representation made, ठीक है। तो ये हमारे notification method थे main और committee method, ये दो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें और कुछ important नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।